हेलो गाइज, आज की रेसिपी रहने वाली है बहुत ही शानदार और गजब। रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको मिलेंगे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारे रश्मीज व्लॉग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। मिल्क केक बनाने के लिए 10 लीटर के लगभग दूध लेंगे और दूध को अच्छे से पहले बॉईल कर लेंगे। तो दूध को हाई फ्लेम पे बॉईल कर रहे हैं बॉयलर के अंदर। उसके बाद में दूध जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो इसकी कढ़ाई को चेंज करेंगे, क्योंकि इसको पलटे से चलाते हुए जो गाढ़ा करना होता है। तो उसके बाद में ये जो बॉयलर होता है यूज नहीं आता इसके अंदर। आप इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस कढ़ाई के अंदर, नॉर्मल कढ़ाई के अंदर। 10 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर 1 kg शुगर डाल देते हैं और 1 ग्राम साइट्रिक एसिड डालेंगे। इससे क्या होता है, साइट्रिक एसिड से दूध में हल्का हल्का दाना स्टार्ट हो जाता है। तो 10 केजी के अंदर डाला है 1 से 2 ग्राम साइट्रिक एसिड और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसको चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल से गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो लगभग आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा हाई फ्लेम पर इसे पकाया जा रहा है। और ये देख रहे हो आप, बड़ा सा मुश्ता खुरपा होता ना, उसी से इसको चलाना होता है ताकि नीचे चिपके नहीं। बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करते हैं हलवाई लोग और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं। और लास्ट के अंदर आप चाहे तो इसके अंदर लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच घी डाल सकते हैं। और ऐसा ही हलवाई ने किया था, जब दूध एकदम से गाढ़ा और दानेदार हो जाता है तो उसके अंदर 1 से 2 बड़े चम्मच घी डाल देते हैं। तो अभी आप देख रहे हो दूध गाढ़ा हो रहा है, अभी पूरा गाढ़ा नहीं हो, क्योंकि 10 लीटर दूध है तो दूध को गर्म होते भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लगभग 1 घंटे के समथिंग टाइम लगा है और दूध अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है, सिर्फ 2 चम्मच 10 लीटर दूध के अंदर। अब ये जो कंटेनर लिया है इसके अंदर सारा का सारा जो है ये दानेदार बैटर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और बस कढ़ाई ने इसको छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब बंद कर देंगे गैस का फ्लेम और सारे बैटर को उस कंटेनर में, जो बड़ा सा कंटेनर लिया, डब्बा सा होता है बड़ा सा, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप कि जो बैटर होता है ना उसकी लास्ट कंसिस्टेंसी कैसी होती है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा लूज डाल देंगे तो आपकी जो कलाकंद है वो थोड़ी नरम रह जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से घी डालने के बाद पका लें। मतलब ये इसके अंदर लिक्विड कम होना चाहिए बिल्कुल। तो कलाकंद जमाने के लिए किसी भी कंटेनर का, इस तरह का डब्बा होता है तो कलर बहुत ही प्यारा आता है। तो इस तरह के, और ये लगभग जो तैयार होने वाला माल है वो मैं आपको बता दूँ, ये 4 kg समथिंग तैयार हो जाएगा। 10 लीटर दूध के अंदर जो माल है वो 4 kg बन करके तैयार हो जाता है। अब इसको ऊपर से प्लास्टिक पेपर से पैक कर दिया है और ढक्कन लगा करके इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। ओवरनाइट के बाद देखिए निकाल लिया है बाहर और अब इसकी इस तरह से पीसेज में कटिंग करेंगे। पहले इसके पार्ट्स कर लेंगे, पार्ट्स करने के बाद आप कलर देखिए कितना प्यारा गोल्डन सुनहरा कलर आया बीच के अंदर से, और उसके दानेदार भी कितना अच्छा है ना, बहुत ही प्यारा दाना भी निकल करके आया है। और उसके बाद में इसकी लेयर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी मिल्क केक कलाकंद की हलवाई स्टाइल वाली रेसिपी, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपको जब भी बनाना हो तो क्वांटिटी मेजरमेंट ध्यान रख करके कलाकंद बनाए, बहुत ही बढ़िया बनेगा, फैंटास्टिक, बिल्कुल हलवाई के जैसे ही बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको बनाना है। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।